About realism and what are the various points on which questions can be asked from realism? And in the second half of the lecture, I will explain you that what are uh, various, uh, what is the concept of naturalism, and what are the uh, various uh, topics or points on which questions can be asked from naturalism. So येस वेलकम बैक दे व नेटवर्क यस सो स्टार्ट करते हैं रियलिज्म से और बहुत से uh, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो uh, बहुत बाद में जुड़ पाए हैं और उन लोगों को ये uh, हमारे जो यू जी सी नेट की क्लासेज हैं उनका शेड्यूल क्लियर नहीं है तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको यू जी सी नेट की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं मैं इनका शेड्यूल आपको क्लियर कर देता हूँ पहली चीज तो ये कि हमारी जो यूजीसी नेट की क्लासेस हैं सिक्स डेज इन अ वीक चलती हैं कभी कभार ड्यू टू सर्टेन प्रायर एंगेजमेंट्स या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो एक आध बार बीच में गैप होता है उसके लिए हम लोग नोटिफिकेशन डाल ही देते हैं अदरवाइज सिक्स डेज इन अ वीक हमारी क्लासेस चलती हैं जिनमें से पहले चार दिन हमारी पेपर टू की क्लासेस होती हैं जो हमारे सब्जेक्ट एजुकेशन है उसी की क्लास चलती हैं और फ्राइडे और सैटरडे को पेपर वन की क्लास चलती है कुछ टॉपिक्स हैं जो पेपर वन और पेपर टू में कॉमन है लेकिन आ, उन दोनों को अलग तरीके से कराया जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल रिसर्च की क्लासेस जो पेपर वन की होंगी वो पूरी तरीके से पेपर वन को फोकस करके कराई जाएंगी और जो रिसर्च हम लोग पेपर टू में पढ़ेंगे वो पूरी तरीके से पेपर टू को फोकस करके कराई जाएगी क्योंकि दोनों का फोकस अलग अलग होता है इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन और जो टॉपिक पेपर वन के सेपरेटली गिवन है उन टॉपिक्स पर आपकी क्लासेस रेगुलरली चलेंगी और हम लोग आपकी क्लासेस को यूनिट वाइज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर टू को देखेंगे तो फर्स्ट यूनिट में आपको फिलॉसफी के टॉपिक्स मिलेंगे इसीलिए हम लोग शुरुआत में फिलॉसफी स्टार्ट कर रहे हैं बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने कहा कि सर रिसर्च पढ़ा दीजिए और क्या जो आप पढ़ा रहे हैं वो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा तो उसके उनके लिए मैं ये बता दूं कि हम लोगों ने यू जी नेट की क्लासेस शुरू की हैं कॉन्सेपचुअल क्लैरिटी के लिए येस yes, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में ये आ, काम आएगा लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यू जी नेट में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द सिलेबस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन जो अभी यूपी में निकला है यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू तो इसलिए आपको फोकस करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें उसमें हैं और जो चीज़ें कॉमन है उन चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली आपको इन क्लासेस से बेनिफिट होगा तो ये एक छोटी सी चीज़ें थी जो कई सारे लोग बार बार मुझसे पूछ रहे थे तो मुझे लगा कि मैं इस क्लास में आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं हर क्लास में कुछ स्टूडेंट्स नए जुड़ते हैं और कुछ स्टूडेंट्स पुराने रहते हैं तो इस वजह से नए स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है उन्हें आइडिया ही लगता कि क्या चल रहा है क्लास में तो मैं आपको बता दूं यूनिट वाइज हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं आज की क्लास में हम लोग रियलिज्म और नेचुरलिज्म पढ़ने वाले हैं और हम लोगों ने मैंने अपना डिस्कशन सीमित रखा है उन पॉइंट्स तक जहां से आपको क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं अगर आ, ये मेरी बी या एम की क्लास होती तो मैं डिस्कशन और ज़्यादा करता लेकिन क्योंकि ये हमारे पास लिमिटेड टाइम है और एग्ज़ाम आपका आ, आने ही वाला है मतलब दो तीन महीने हमारे पास बचे हुए हैं तो इसलिए दो तीन महीने में, में अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट दीज थिंग्स सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट स्टार्ट विद द टॉपिक रियलिज्म यथार्थवाद इसको कहा जाता है हिंदी में और रियलिज्म uh, uh, जो कॉन्सेप्ट है ये इंग्लिश के वर्ड रियलिटी से बना है और जो वर्ड इंग्लिश का रियलिटी है ये ग्रीक वर्ड है रेस आर ई एस उससे डिराइव हुआ है जिसका अर्थ होता है ऑब्जेक्ट सो अकॉर्डिंग टू रियलिज्म मैटर इज द अल्टीमेट रियलिटी यथार्थवाद पदार्थ या वस्तु जगत को ही वास्तविक जगत मानता है मैंने जब आपको आदर्शवाद कराया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि सोक्रेटिस के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु अरिस्टोटल और अरस्तु ने प्लेटो की सारी बात को मानते हुए एक चीज अपनी ऐड की थी एंड दैट थिंग वॉज द टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटलिस्टिक वर्ल्ड टू एक्सेप्ट दैट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर सो दैट इज वाई एरिस्टोटल इज टर्म्ड एज द फादर ऑफ रियलिज्मी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर को पहचाना उसको महत्व दिया और अपने विचारों में उसको रखा और uh, अगर आप यथार्थवाद के सभी अब आप, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब मैंने मैंने आपको दर्शन शुरू करा रहा था उस समय एक बहुत कॉमन सी चीज़ बताई थी कि फिलॉसफी और दर्शन में भी अंतर है तो जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट फिलॉसफी और जब हम इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं तो हम लोग वहाँ पर दर्शन की बात कर रहे होते हैं तो दर्शन और फिलॉसफी में मैंने वहाँ पर आपको डिफरेंस बताया था और यहाँ पर उसकी छोटी सी आपको झलक मिलेगी अगर आप रियलिज्म के सपोर्टर्स को देखेंगे ऑल सपोर्टर्स ऑफ रियलिज्म आर बॉर्न बिटवीन फोर्टीन सेंचुरी टू एटीन सेंचुरी आप देखें चौदह सौ ईस्वी से लेकर 1800 सौ अठारह ईस्वी के आसपास ही सारे रियलिस्ट जो फॉलोअर्स ऑफ रियलिस्ट है उनका जन्म इन, इसी बीच में हुआ है और इसी दौरान आप देखेंगे आपको uh, कई सारे मैटर से रिलेटेड इन्वेंशन हुए पहले तो लोग ये मानते थे कि भाई बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें आ, रियलिस्ट जैसे आइडलिज्म की बात करें तो आइडलिज्म का इतना प्रभाव था आ, उस दौरान जब रियलिस्ट विचारधारा अरस्तु ने दी थी उस तम, उस समय हर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में आ, इंडल्स था और जैसे ही आ, वस्तु ज्ञान सिद्ध होना शुरू हुआ जैसे ही लोगों को साइंस की डेवलपमेंट होनी शुरू हुई तो साइंस की डेवलपमेंट होने से क्या हुआ कि लोगों के माइंड में एक जो आ, स्टिग्मा बना हुआ था एक जो इमेज बनी हुई थी बहुत सारे पाखंडों की बहुत सारी चीजों की जो सिर्फ आ, एक अब सोसाइटी में अपना कद बढ़ाने के लिए कराई जाती थी लोगों से तो जैसे जैसे साइंस की डेवलपमेंट होनी शुरू हुई वैसे वैसे लोगों को लोगों ने उससे बाहर सोचना शुरू किया स्पिरिचुअलिटी से बाहर आना शुरू किया और कुछ आरंभिक जो रियलिस्ट थे रियलिस्ट थे वो ईश्वरवादी भी थे लेकिन बाद में जितने भी रियलिस्ट आए उनमें से मैक्सिमम रियलिस्ट ने ईश्वरवादी सत्ता को डकार दिया और उनके अनुसार जो जैसा है जो जैसा दिख रहा है जो जैसा हमारे सामने प्रेजेंट है ये ही सत्य है इसके आगे क्या होगा उसके पीछे क्या होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है जो जैसा दिख रहा है इट इज़ द रियलिटी बेसिकली सो अगर हम इसके फॉलोअर्स की बात करें तो इसके अंदर uh, कुछ लोग हैं जिनके नाम आपको नोट करने होंगे क्योंकि कई बार मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं जहां पर uh, एक तरफ इजम्स लिए होते हैं और एक तरफ उनके फॉलोअर्स होते हैं और फॉलोअर्स में भी वो फॉलोअर्स होते हैं जिनके नाम जनरली आपने सुने नहीं होते तो इस वजह से फॉलोअर्स का नाम नोट करना जरूरी है इन uh, जो रियलिस्ट रियलिज्म के ट्रू फॉलोअर्स थे उनमें रेसमस रेबेले इंग्लिश में इसको रेबेलियस रेबेलिस लिखा जाता है लेकिन प्रोनाशिएशन रेबले है रेबेले लॉर्ड मॉन्टेन लॉर्ड मॉन्टेन रिचर्ड मलकास्टर फ्रांसिस बेकन जॉन मिल्टन जॉन लॉक एंड कमेनियस देखिए इनमें से किसी के भी नाम के साथ आपको मैचिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसलिए इन फॉलोअर्स के नाम आपको पता होने चाहिए मैं रिपीट करता हूं एक बार रेसमस रेवेले लॉर्ड मॉन्टेन रिचर्ड मलकास्टर फ्रांसिस बेकन जॉन मिल्टन जॉन लॉक एंड कमेनियस और आप इन सब के जन्म देखेंगे 1400 से लेकर 1700 के बीच में ही हुए हैं और इसी दौरान मैक्सिमम साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुई हैं तो ये कहा जा सकता है कि आ, कौन सा इजम है जो सबसे ज्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट्स पर बेस्ड है तो आप बताएंगे रियलिज्म इज दैट फिलोसफी विच इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट्स क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होने से ही लोगों की स्पिरिचुअलिटी से uh, ध्यान हटा और फिजिकल uh, वर्ल्ड की तरफ उनका अटेंशन uh, आना शुरू हुआ जैसा कि हर वेस्टर्न फिलोसफी के पीछे कोई ना कोई रीजन है इसी तरीके से रियलिज्म के डेवलप होने के पीछे जो रीजन है इट इज द डेवलपमेंट ऑफ साइंस ओके सो मैंने आपको हर फिलॉसफी में एक ही पैटर्न रहा है एक्सप्लेन करने का कि सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो मैंने अभी आपको बताया और कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम आते हैं मेटाफिजिक्स uh, एपिस्टमोलॉजी और एक्जलॉजी पे तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा तो सबसे पहले हम बात करते हैं यथार्थवाद के अनुसार तत्व मीमांसा एपिस्ट सॉरी मेटाफिजिक्स अकॉर्डिंग टू रियलिज्म मोटे मोटे तौर पे समझे मेटाफिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिलासफी दैट डील्स विद रियलिटी एंड रियलिटी अकॉर्डिंग टू रियलिज्म इज मैटर और ऑब्जेक्ट जो जैसा है उसको वैसा ही देखना यही सत्य है बस जो दिखाई दे रहा है जैसा दिखाई दे रहा है वही सत्य है आगे क्या होगा पीछे क्या था और जो चीज हमें सिर्फ फील हो रही है जिसको हम कभी देख नहीं सकते महसूस और जैसे स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी को हम लोग देख नहीं सकते तो वहां पर स्पिरिचुअलिटी uh, को ये लोग नकार देते हैं इनके अनुसार मुझे जो जैसा दिखाई दे रहा है यही वास्तविकता है सो मेटाफिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद रियलिटी एंड रियलिटी अकॉर्डिंग टू रियलिज्म इज मैटर और ऑब्जेक्ट और इसी रियलिज्म uh, का आज की डेट में हम जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ये कई सारे कॉन्सेप्ट से मिला हुआ है दूसरी चीज शुरुआत के जो रियलिस्ट थे उनका कुछ विश्वास ईश्वर में था वो वस्तु जगत की सत्ता के साथ साथ ईश्वर की सत्ता को भी मानते थे लेकिन जैसे जैसे ओवर द ईयर प्रोग्रेस होना शुरू हुआ एक रियलिस्ट की एक एक विचारधारा पूरी डेवलप हो गई और उस विचारधारा में ईश्वर का कोई स्थान नहीं था उनके अनुसार वस्तु जगत मेटलिस्टिक वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड सो तीन चार चीजें हैं जो रियलिज्म के कॉन्सेप्ट को डेवलप कैसे हुआ ये बताती हैं और वो टेक्निकल टर्म्स हैं मैं उनको एक एक करके आपको बताता हूं जिससे कि मेटाफिजिक्स ऑफ रियलिज्म हमें और क्लियर हो जाएगी सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मेटाफिजिक्स रियलिटी से डील करती है और रियलिटी क्या है मैटर इसके अलावा हम बात करते हैं दे आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग अपॉन कि किस व्यक्ति ने किन लोगों ने रियलिज्म का क्या अर्थ निकाला है जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सरल यथार्थवाद नेव रियलिज्म ये मानते थे कि भौतिक संसार व उसकी समस्त वस्तुएं वास्तविक हैं, ना कोई तर्क ना वितर्क बस एक ही चीज में विश्वास रखना कि ये हमारा जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है इट इज द रियल वर्ल्ड एंड इट इज द रियलिटी ओनली इसके अलावा कौन सी चीज रियल नहीं है उसके बारे में इनका कोई तर्क वितर्क नहीं था इसको हम लोग सिंपल रियलिज्म या नेव रियलिज्म बोलते हैं और हिंदी में सरल यथार्थवाद कहते हैं दूसरा रियलिज्म का टाइप है नियो रियलिज्म जिसको हम नव यथार्थवाद कहते हैं नव यथार्थवादी जो है ये आदर्शवाद का खंडन करते हुए वस्तुओं के अस्तित्व का अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं अब इसमें न, uh, सरल यथार्थवाद से एक चीज एक्स्ट्रा है सरल यथार्थवाद वाली बात ही ये भी कह रहे हैं लेकिन आदर्शवाद का खंडन करते हुए तो इनको नियो रिल, नियो रिल, रियलिस्ट या नियो रियल, रियलिज्म कहा जाता है नव यथार्थवाद ये सरल यथार्थवाद से केवल इस मायने में भिन्न है कि ये पुराने विचारों का खंडन करते हुए नए विचार को स्थापित करने का प्रयास करते हैं और नया विचार क्या है कि ये भौतिक संसार ही वास्तविक संसार है जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही तीसरा है क्रिटिकल रियलिज्म क्रिटिकल रियलिज्म हम लोग बोलते हैं आलोचनात्मक यथार्थवाद ये कहता है कि केवल वस्तु ही नहीं मनुष्य और उसका मन भी वास्तविक है केवल हम अगर मैटर की बात करते हैं तो मैटर में केवल नॉन लिविंग थिंग्स ही नहीं आती लिविंग थिंग्स भी मैटर में ही आती हैं और ये भी रियल ही मानी जाएंगी अगर वस्तु से इन्होंने ये क्लियर ये क्लियर कर दिया कि वस्तु का अर्थ केवल नॉन लिविंग चीजों से नहीं है मैटर मीन्स और मेटेलिस्टिक वर्ल्ड मीन्स वट एवर वी आर एक्सपीरियंसिंग वट एवर वी आर सींगराउंडस हम लोग अपने आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं वो सारी की सारी uh, वास्तविकता को प्रतिबिंबित करती हैं क्योंकि वो हमारे सेंस ऑर्गेन्स के थ्रू हमें दिखाई दे रही हैं हम उन्हें सेंस ऑर्गेन्स के थ्रू महसूस कर पा रहे हैं तो जो जो भी चीज सेंस ऑर्गेन्स के थ्रू हम लोग ले पा रहे हैं दीज आर द अल्टीमेट रियलिटी तो क्रिटिकल रियलिस्ट कहते हैं कि केवल वस्तु ही नहीं मनुष्य तथा उसका मन भी वास्तविक है क्योंकि मन के बिना वस्तुओं की अनुभूति संभव नहीं है तो इसलिए इन्होंने ह्यूमन बीइंग और माइंड के कॉन्सेप्ट को भी एक्सेप्ट किया क्योंकि बिना ह्यूमन बीइंग के और बिना माइंड के हम लोग चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते इसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ रियलिज्म इज उसको हम लोग बोलते हैं फिलोसफी ऑफ ऑर्गेनिज्म अवयव दर्शन भी कहा जाता है जिसको इसका कॉन्सेप्ट दिया था वाइट हेड ने दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय वाइट हेड और उन्होंने कहा कि वस्तुओं की अपेक्षा वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया पर बल दे, देना यही अभी तक जितने भी लोग थे वो सब ये कह रहे थे कि वस्तु वस्तु ही वास्तविक है वा, वस्तुओं से बना हुआ संसार ही वास्तविक है तो वाइट हेड पहले रियलिस्ट थे जिन्होंने ये बात कहा वस्तुओं की निर्माण वस्तुओं की अपेक्षा वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया पर ज्यादा बल दिया जाए क्योंकि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से ही वस्तुओं का निर्माण होता है तो अगर हम प्रोसेस को फोकस करेंगे तो कई सारी वस्तुओं का निर्माण करेंगे और कई सारी रियलिटीज को डेवलप करेंगे तो इनके अकॉर्डिंग प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट तो अभी तक मैंने आपको बताया सरल यथार्थवाद जिसमें या नेव रियलिज्म जिसमें भौतिक संसार और उसकी वस्तुएं जो दिखाई देती हैं बस वही रियल है फिर हमने पढ़ा नियोरियलिज्म जिसको नव यथार्थवाद कहते हैं ये आदर्शवाद का खंडन करते हुए बताते हैं कि वस्तुओं का अस्तित्व ही वास्तविक अस्तित्व है इसके बाद हमने बात की आलोचनात्मक यथार्थवाद की जिन्होंने वस्तुओं के साथ साथ मनुष्य और मनुष्य के मन की मन को भी वास्तविक माना और उसके बाद हमने बात की फिलोसफी ऑफ ऑर्गेनिज्म अवय दर्शन जिसके आ, प्रपाउंडर जो थे वो वाइट हेड थे जिन्होंने कहा कि सिर्फ वस्तुओं पे नहीं वस्तुओं के साथ साथ उनके निर्माण की प्रक्रिया पर भी हमें बल देना चाहिए उनपे भी फोकस करना चाहिए अगर हम रियलि रियलिज्म को समझना चाहते हैं इसके अलावा कुछ और रियलिज्म के सपोर्टर्स ने कहा कि रियलिज्म इज समथिंग विच टॉक्स अबाउट ह्यूमन बींग विच टॉक्स अबाउट वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग विच टॉक्स अबाउट द थिंग्स विद विच वी कैन हैव मोर एंड मोर प्लेजर जिससे जिससे मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा सुख की प्राप्ति हो ऐसी सभी चीजों को खोजना उनके उनकी प्रक्रिया का निर्धारण करना ये सब वा, यथार्थवाद में आता है और इस प्रकार के जो यथार्थवादी विचारधारा थी इसको मानववादी यथार्थवाद की संख्या दी गई मानववादी यथार्थवाद वह यथार्थवाद जो मनुष्य के मनुष्य के सुख और उसके पूर्वक जीने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता है उसके बारे में सोचने पर बल देती है इनके अनुसार वास्तविक ज्ञान वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऐसे हम अपने कंफर्ट जोन में जा सकते हैं उन सभी चीजों को इन्होंने यथार्थवाद में शामिल किया है इसको हम मानववादी यथार्थवाद कहते हैं क्योंकि ये मानव के सुख पर आधारित है इसके अलावा सामाजिकतावादी यथार्थवाद भी है सामाजिकतावादी यथार्थवाद कहता है कि ये जो भी हम लोग कार्य करते हैं ये समाज के लिए करते हैं क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है तो समाज के साथ समायोजन करना हर मनुष्य को आना चाहिए तो सोशलिस्ट रियलिज्म या समाजिकतावादी यथार्थवाद कहता है कि सामाजिक समायोजन से ही सुख की प्राप्ति होती है देखिए मानववादी यथार्थवाद केवल सुख पर फोकस कर रहा है और यहां समाज जो सोशलिस्टिक रियलिज्म है वो उस सुख के कारण यानी कि समाज उस सुख का कारण समाज को बताते हुए समाज पे फोकस कर रहा है कि सामाजिक समायोजन से ही हमें सुख की प्राप्ति होती है इसलिए यदि आपको सुखी रहना है आनंद में रहना है तो सामाजिक समायोजन करना सीखना चाहिए और यही सामाजिक समायोजन ही वास्तव वास्त, वास्त, यथार्थवाद है तो सोशल एडजस्टमेंट ये इस प्रकार के रियलिस्ट को नाम दिया गया सोशलिस्टिक रियलिज्म अभी तक हमने छह प्रकार के रियलिज्म की बात करी इसके अलावा एक और विचारधारा है जो बड़ी कॉमन सी विचारधारा है जिसको हम बोलते हैं सेंस रियलिज्म इंद्रिय यथार्थवाद जैसा कि नाम से पता है वह यथार्थवाद या यथार्थवाद की वह विचारधारा जो यह कहती है कि सुख की प्राप्ति वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान केवल इंद्रियों के द्वारा ही संभव है तो ये जो जो ज्ञान हमें इंद्रियों से मिलता है वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है वही सुख वास्तविक सुख है इसके अलावा इन्होंने किसी सुख की कल्पना नहीं की इन इनके अनुसार इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सुख ही अंतिम सुख है तो इस प्रकार से अ, अच्छा आपको ये एक दो बार सवाल पूछा गया है कि मानववादी यथार्थवाद के सपोर्टर कौन हैं तो आप उसमें जवाब देंगे रेबले एंड मिल्टन रेबले एंड मिल्टन आर द सपोर्टर ऑफ मानव ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म फिर सोशलिस्टिक रियलिज्म के सपोर्टर कौन है सोशलिस्टिक रियलिज्म के सपोर्टर हैं लॉर्ड माउंटेन एंड जॉन लॉक लॉर्ड माउंटेन एंड जॉन लॉक इसके अलावा जब हम बात करते हैं सेंस रियलिज्म की जहां पर सुख की प्राप्ति के लिए अल्टीमेट जो सोर्स माना गया है वो इंद्रियों को माना गया है चाहे वो कर्म इंद्रिया हो चाहे ज्ञान इंद्रिया हो इनके कॉम्बिनेशन से ही हम हम लोगों को प्लेजर रिसीव होता है तो इसलिए दीज आर द अल्टीमेट रियलिटी एंड दीज आर द सोर्स ऑफ नॉलेज ओनली। तो इस सेंस रियलिज्म के जो सपोर्टर्स थे वो थे मलकास्टर, फ्रांसिस एंड तो अभी ये चाहे हम सरल यथार्थवाद की बात करें चाहे हम नव यथार्थवाद की बात करें चाहे हम क्रिटिकल यानी कि आलोचनात्मक यथार्थवाद की बात करें इसके अलावा Uh, हम लोग फिलोसफी और ऑर्गेनिज्म यानी कि अवयव दर्शन की बात करें मानववादी यथार्थवाद की बात करें सोशलिस्टिक यानी सामाजिकतावादी यथार्थवाद की बात करें या इंद्रिय यथार्थवाद की बात करें हर यथार्थवाद ने अपने अपने तरीके से मेटाफिजिक्स को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है तो जब भी आप मेटाफिजिक्स ऑफ रियलिज्म कहते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज देखते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं पिस्टमोलॉजी की और एग्जीलॉजी की तो ये सारे के सारे लोग जो एक ही चीज को अलग तरीके से कहने का प्रयास कर रहे हैं इपिस्टेमोलॉजी में और एक्जोलॉजी में ये उन्हीं चीज को इकट्ठा करके एक तरीके से कहने का प्रयास करते हैं फॉर एग्जाम्पल मेटाफिजिक्स के बाद अब हम आते हैं इपिस्टमोलॉजी पर तो वी ऑल नो इपिस्टमोलॉजी इज ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद नॉलेज सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉलेज एक क्वेश्चन बहुत बार आया यूजीसी नेट में अकॉर्डिंग टू विच फिलोसफी इट इज़ सेट दैट सैंस आर द गेट वे ऑफ नॉलेज बहुत बार पूछा गया सवाल है और इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें प्रेगमेटिज्म का भी रोल हो सकता है उन्होंने भी सेंस ऑर्गैन के थ्रू नॉलेज को गेन करने को महत्व दिया है नेचुरलिज्म भी हो सकता है क्योंकि नेचुरलिज्म में भी उन्होंने सेंस एक्सपीरियंस लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीखने पर बल दिया है और रियलिज्म भी हो सकता है तो मैं आपको बता दूं क्योंकि तीनों ने ही एक ही बात बोली है खास करके नेचुरलिज्म और रियलिज्म के अकॉर्डिंग तो सेंसेज आर द गेटवे ऑफ नॉलेज दोनों के अकॉर्डिंग ही सही है लेकिन क्योंकि रियलिस्ट पहले हैं रियलिस्ट पहले आए हैं नेचुरलिस्ट का आगमन उनसे थोड़ा सा बाद में है इसलिए हम लोग सेंसेज आर द गेट ऑफ नॉलेज अगर आपको आता है तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे रियलिज्म की तरफ इसी तरह ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि जब आपको त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट आता है इंडियन फिलासफी में कि त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट किसने दिया है वहां पर अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों हैं तो उस स्थिति में हम लोग जैनिज्म की तरफ जाएंगे ठीक है अगर और, और अगर जैनिज्म नहीं है उस स्थिति में हम लोग बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग जाते हैं क्योंकि बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग प्रज्ञाशील समाधि इनको त्रिरत्न कहा गया है तो जितनी चीज़ें हैं क्लासेस में बताई जाती हैं आप उसको नोट करें और जितना मेरा एक्सपीरियंस है आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट फिफ्टीन ईयर्स तो पंद्रह सालों का जो एक्सपीरियंस है उसको मैं आपको आ, देने का प्रयास करता हूं और आपसे सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आप उन चीजों को नोट करें और जितने पॉसिबल है उतने क्वेश्चन पूछ लें आप क्योंकि जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उससे मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी आपको कितना समझ में आया तो हम लोग बात कर रहे थे ज्ञान मीमांसा की तो ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया और उसी से हमारी ज्ञान मीमांसा भी क्लियर हो गई कि रियलिज्म के अकॉर्डिंग सेंसेज आर द गेट ऑफ नॉलेज वट एवर नॉलेज वी गेन थ्रू सेंस ऑर्गेन्स वही वास्तविक ज्ञान है यथार्थवाद के अनुसार वह ज्ञान जो हम अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों और इनके कॉम्बिनेशन से प्राप्त करते हैं वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मूल्य मीमांसा की तो रियलिज्म बेसिकली एक साइंटिफिक फिलॉसफी है जो साइंस और साइंस की इन्वेंशन से डेवलप हुई है ओवर द इयर्स। तो मूल्य मीमांसा की अगर हम बात करें तो रियलिस्ट के अकॉर्डिंग मूल्य मीमांसा जो कि मूल्यों की बात करती है कोई निश्चित नहीं हो सकती किसी भी स्थिति में निश्चित नहीं हो सकती क्यों क्योंकि ये लोग भौतिक संसार को सत्य मानते हैं और भौतिक संसार में दो ही चीज़ों को सत्य माना गया है एक जीवन की रक्षा करना दूसरा सुखपूर्वक जीना अगर भौतिकता में है तो आप अपने आप को बचा के चलते हैं और दूसरा कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सुखपूर्वक जीने की और यही जीवन के मुख्य उद्देश्य हैं और ये जो उद, आ, ये जो उद, जीवन की रक्षा करना और सुखपूर्वक जीना इसके जो तरीके हैं या इसको प्राप्त करने के लिए जो मूल्य आप फॉलो करेंगे वो मूल्य हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं तो इसलिए इन्होंने कोई कॉमन मूल्यों की मूल्यों के बारे में नहीं कहा और ना ही आ, बुक्स में कोई सेपरेट मूल्य इसमें से निकालकर बताए गए हैं मोटे मोटे तौर पर अगर हम समझे तो ये वह सिद्धांत है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा वह हमें दिखाई देता है अब इसका मतलब क्या हुआ कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग है हर व्यक्ति संसार को अपने तरीके से यथार्थ मानेगा और किसी भी दो व्यक्ति के दृष्टिकोण समान हो यह कोई जरूरी नहीं है इसलिए इन्होंने किसी कॉमन मूल्यों को नहीं दिया है इनके अनुसार हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग है इसलिए और हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग सुख की परिभाषा अलग अलग है तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए जो मूल्यों की आवश्यकता पड़ेगी वह भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होंगे इसलिए किसी निश्चित मूल्यों पर यह विश्वास नहीं करते देर इज ए क्वेश्चन दैट मोस्ट ऑफ द टर्म्स आई इन hindi also actually maximum audience of this group is pursuing the uh, education subject with uh, in hindi medium so it is the reason i have to speak in hindi and otherwise uh, if i will be uh, i will be using only one language then it will be very difficult for the other language students i am using technical terms in english and hindi but Explain, uh, as far as explanation is concerned, I am trying to explain the things in English as well as in Hindi also. So that uh, both of you uh, can understand. Uh, basically, there are two broad groups uh, of participants in this group. One is of a uh, different language group, they can understand English. Another is purely Hindi uh, language group, they can understand Hindi. So I am trying to make a balance. Hopefully, uh, you are going to get benefited from this so uh, after understanding metaphysics epistemology and exology uh, let us understand the con definition of realism the single definition i would like to uh, suggest to people is that realism is that principle or we can say is that school of thought which ट्रीट द वर्ल्ड एज इट लुक्स जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा वह दिखाई देता है क्लियर सो नाउ लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रियलिज्म देर देर वॉज व्यूज ऑफ आइडियलिस्ट दैट वी शुड हैव नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हमें ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए देन देयर वॉज अनदर कॉन्सेप्ट और नोशन एज पर आइडलिस्ट दैट वी शुड हैव नॉलेज फॉर आर सेल्वेशन की हमें मुक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तो रियलिस्ट डिस्कार्ड ऑल दीज काइंड ऑफ नोशंस अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट नॉलेज इज दैट नॉलेज विच इज़ यूजफुल फॉर लाइफ जीवन के लिए जो ज्ञान है वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है सो लेट अस अंडरस्टैंड सम डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एज गिवन बाय सम रियलिस्ट फर्स्ट इज गिवन बाय अरिस्टोटल अरिस्टोटल सेज एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा है Commons' definition a very easy definition. We can uh, we, we need not to explain it uh, further. Then there is another definition of, of education according to another realist, which is Comenius. According to Comenius, education is the process of social and individual regeneration, regenerating force. I repeat, education is the process of social and individual regenerating force. What do we mean by this? Samajik. एवं व्यक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है मीन्स एजुकेशन इज दैट फोर्स विच कैन गिव स्ट्रेंथ टू योर इंडिविजुअल पार्स एज वेल एज सोशल पार्स विद इन यू सो फर्स्ट इट मेक्स यू पावरफुल एंड बिकॉज यू एज अ पर्सन आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी देन। अगर uh, आप सॉरी रिपीट करता हूं रियलिज्म के अकॉर्डिंग रियलिज्म इस बात में विश्वास करता है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपकी व्ययक्तिकता को मजबूत करे और जब व्यक्तिकता मजबूत होगी आपकी इंडिविजुअलिटी स्ट्रांग होगी तो क्योंकि आप भी सोसाइटी के एक पार्ट हैं तो सोसाइटी के सभी लोगों की इंडिविजुअलिटी मजबूत होगी तो ओवरऑल सोसाइटी भी हमारी स्ट्रेंथन होगी सो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेंथनिंग द इंडिविजुअलिटी रियलिस्ट टॉक्स अबाउट स्ट्रेंथनिंग ऑफ सोसाइटी बाई द मीन्स ऑफ एजुकेशन तो शिक्षा के माध्यम से व्ययक्तिकता तथा सामाजिकता दोनों को स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया जाना चाहिए कमेनेस के अकॉर्डिंग एंड एज पर मिल्टन वेरी गुड डेफिनेशन गिवन बाय मिल्टन मिल्टन सेज दैट आई कॉल अ कम्प्लीट एंड जनरस एजुकेशन टू दैट विच फिट्स अ मैन टू परफॉर्म जस्ट justice, skillfully and magnanimous, magnanimously all the office offices, both private and public, at peace and war. I repeat, I call a complete and generous education to that which fits a man to perform justly, skillfully and magnanimously all the offices, both private and public, at peace and war. और हिंदी में उन्होंने कहा है कि मैं पूर्ण तथा उदार शिक्षा उसे कहता हूं जो शांति तथा युद्ध दोनों के समय में व्यक्तिगत और सार्वजनिक कार्यों को न्यायोचित ढंग से दक्षता और उदारता के साथ करना सिखाती है इन नट कैन से अकॉर्डिंग टू मिल्टन और अकॉर्डिंग टू ऑल मोस्ट ऑफ द साइकोलोजिस्ट मोस्ट ऑफ द फिलोसफर ऑफ रियल फिलोसफर सपोर्टिंग रियलिज्म दे सेट एजुकेशन शुड बी सच दैट इट असिस्ट एन इंडिविजुअल एज वेल एज टू सोसाइटी मीन्स द फोकस ऑफ रियलिज्म इज ऑन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑन सोसाइटी ऑल्सो व्यक्तिक और सामाजिक दोनों की दोनों के ऊपर फोकस करता है रियलिज्म अभी हम बात करेंगे नेचुरलिज्म की और बहुत से लोगों को रियलिज्म और नेचुरलिज्म में कन्फ्यूजन रहता है तो जब नेचुरलिज्म के बाद हम बात करेंगे कि इन दोनों डिफरेंसेस का है तो उसमें एक मेजर डिफरेंस जो रियलिस्ट और नेचुरलिस्ट में है व, आ, वो ये है कि रियलिस्ट टॉक्स अबाउट सोसाइटी आल्सो दे वांट दैट काइंड ऑफ एजुकेशन विच मेक्स अ परफेक्ट सोसाइटी क्योंकि सोसाइटी में आप रहेंगे तभी आप आ, प्लेजर सीख uh, कर पाएंगे प्लेजर रिसीव uh, कर पाएंगे और इसीलिए सोसाइटी का स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है जबकि नेचुरलिज्म की बात करें तो नेचुरलिज्म प्योरली कंप्लीट फ्रीडम पे बात करता है और इंडिविजुअल सेंट्रिक है तो इंडिविजुअल सेंट्रिक होने की वजह से सोसाइटी के बारे में कम मानता है और सोसाइटी को डिस्कार्ड करता है रूसो कहते हैं कि इट इज द सोसाइटी दैट मेडल्स विद द चाइल्ड सोसाइटी ही चाइल्ड को खराब बनाती है अगर बच्चे को अगर आपको सही मानों में अच्छा बनाना है तो उसको एक नेगेटिव काइंड ऑफ एजुकेशन दी जाए तो वील डिस्कस ऑन सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एज पर रियलिज्म होपफुली आपको समझ में आयेगा बहुत ज्यादा uh, डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है मोटे uh, मोटे तौर पे आपको समझने की आवश्यकता है व्हाट बेसिकली एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट व्हाट कमेनियस टॉक्स अबाउट एंड वस वैकंड टॉक्स अबाउट रियलिज्म सो लेट्स टेक नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रियलिज्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन सी द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ रियलिज्म इज टू मेक योर लाइफ पीसफुल टू मेक योर लाइफ फुल ऑफ प्लेजर्स आपके जीवन को सुखमय बनाना ये ही यथार्थवाद का मुख्य उद्देश्य है अब यदि यथार्थवाद शिक्षा की पल, कल्पना कर रहा है तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो किस प्रकार की शिक्षा आपको देने का प्रयास करेगा ही सेड अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट मोस्ट ऑफ द रियलिस्ट

एंड सोशल इन्वायरमेंट नंबर फोर टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड क्योंकि रियलिस्ट का जो जन्म हुआ था रियलिज्म का जो जन्म हुआ था इट वॉज द आउटकम ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस सो साइंटिफिक एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियलिस्टिक रियलिस्टिक एजुकेशन देन देर इज अनदर एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रियलिज्म विच इज वोकेशनल डिवेलपमेंट यानि कि व्यवसायिक उन्नति तो शारीरिक विकास इंद्रिय प्रशिक्षण मानसिक शक्तियों का विकास प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान साइंटिफिक एटीट्यूड एंड व्यवसायिक उन्नति या वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कुछ शिक्षा के उद्देश्य हैं अकॉर्डिंग टू रियलिज्म आई रिपीट इन इंग्लिश आल्सो फिजिकल डेवलपमेंट एंड सेंस ट्रेनिंग नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर्स देन नॉलेज ऑफ natural and social environment then develop scientific attitude and finally vocational development so these are different aims of education see the focus focus uh, of realist realists are pleasure seeking means we, they want to make life full of pleasures so for that what we have to do first we need to be physically fit then we need to have sense training so that we can uh, understand what are the things that that should be uh, received and what are the things that should be left out so there should be sense training then development of mental power because it is the mind which is responsible for uh, gaining the uh, which, which is responsible for understanding the things which is responsible for having pleasure without mind you cannot have pleasure so development of mental powers then प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान दे फोकस ऑन हैविंग द नॉलेज ऑफ नेचर एज वेल एज ऑफ सोसाइटी वाइल केस ऑफ नेचुरलिज्म दे आर फोकसिंग ऑन हैविंग द नॉलेज ऑफ नेचर सो सोशिएटल पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम सोशिएटल पॉइंट ऑफ व्यू रियलिस्ट आर डिफर फ्रॉम नेचुरलिस्ट, सो देन वोकेशनल डेवलपमेंट इट इज द ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव तो आफ्टर हैविंग

एक या दो कमेंट आ सकते हैं इफ यू आर अ रियलिस्ट देन व्हाट वुड यू लाइक टू टीच टू योर स्टूडेंट्स एज अ रियलिस्ट आई थिंक द प्राइम प्लेस विल बी गिवन टू साइंटिफिक सब्जेक्ट्स ऑल साइंसेज लाइफ साइंसेज फिजिकल साइंसेज एंड मैथमेटिक्स एंड सेकेंडरी सब्जेक्ट्स विल बी गिवन टू सोशल साइंसेज एंड लिटरेचर, यस प्रोफेशनल एजुकेशन शुड बी देयर साइंस वेरी गुड भावना भावना हैज सेड वेरी राइटली दैट साइंस शुड बी द फोकस वोकेशनल यस शफाली इज आल्सो सेइंग सेंगे वोकेशनल आस्पेक्ट शुड बी देयर सो देखिए इफ यू हैव क्लियर कट आइडिया अबाउट द अबाउट एनी स्कूल ऑफ थॉट यू कैन इजीली फ्रेम यूर माइंड यू कैन इजिली आइडेंटीफाई कि विच मान लीजिए कोई स्टेटमेंट अगर आपको एग्जाम में आती है और आपसे कहा जाता है कि ये स्टेटमेंट किस स्कूल ऑफ थॉट से रिलेट करती है तो इन दैट केस इफ यू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट दैट स्कूल ऑफ थॉट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू दैट थॉट सो सूर्य प्रकाश ने हिस्ट्री बोला है yes, येस हिस्ट्री को ये पढ़ाना चाहेंगे लेकिन हिस्ट्री को ये स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि साइंस पे फोकस ज्यादा है ठीक है लेकिन यस yes, हिस्ट्री को उन्होंने सजेस्ट किया है पढ़ाया जाना भी चाहिए क्योंकि सोशल इन्वायरमेंट की बात करते हैं सो आफ्टर करिकुलम लेट्स हैव सम डिस्कशन अबाउट मेथड्स ऑफ टीचिंग व्हाट काइंड ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग विल यू थिंक रियलिस्ट वुड वुड बी सजेस्टिंग आपके अनुसार यथार्थवादी किस प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहेंगे As per your opinion, what kind of methods of teaching realist would like to uh, use while teaching? So, uh, as they have said, knowledge, real knowledge is the knowledge gained through senses. So, any method, yes, uh, the, as uh, Rishindra has said, Rishindra Dubey, practical method, yes, practical method, uh, because in practical method and experimental methods and uh, excursions field trips in which there is scope of training of senses in which there is scope of using knowledge uh, gaining knowledge through senses so scientific method exper experiential learning yes very good so uh, uh, it means you people are uh, understanding uh, uh, my point of views and uh, you people are understanding realism also uh, it's very good that you are uh, commenting uh, instantly. So these are uh, different methods of teaching uh, that are suggested by different realists. For example, as per Comenius, training of sense organs should be there. As per Milton, uh, travel travel method should be there, and as per John Locke, observation method should be there, experiential method should be there. So these were uh, different methods of teaching which was supported by a realist then we talk about there are some other methods also like uh, learning by experience as you have said uh, experimental method workshop methods also so uh, one very important concept given by ratke ratke was a realist and he was a known for giving uh, major recommendations related to education so ratke has said that we should treat whole knowledge as one we should treat whole knowledge as one and which is divided into different subjects and since all subjects are derived from one knowledge देयर फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट शुड बी इंटर सभी सारा का सारा ज्ञान एक है और उसी ज्ञान को आप अलग अलग विषय के रूप में पढ़ाते हैं तो हर विषय में एक समानता होनी चाहिए हर विषय के अंदर लिंक होना चाहिए एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक होना चाहिए कनेक्टेड होना चाहिए सो दैट स्टूडेंट विल गेट द इंटीग्रेटेड नॉलेज they discard the knowledge uh, which is imparted separately for example we are imparting literature uh, separately other than social science we are um, uh, giving knowledge of social sciences which is we, uh, we are not relating it to the science we are providing the knowledge of science which cannot be which we are not relating with our life so whole knowledge should be interconnected it is interconnected and it should be imparted as interconnected so, uh, this concept was given by uh, Ratke. Very important concept. That one concept. Uh, so, Ratke has given different maxims of teaching. You can note down those maxims of teaching which is given by Ratke. Number one is object knowledge before word knowledge. I am explaining you the maxims of teaching given by Ratke. Maxims of teaching given by Ratke. सेट नंबर वन ऑब्जेक्ट नॉलेज बिफोर वर्ड नॉलेज वस्तुओं का ज्ञान पहले दिया जाना चाहिए शब्दों के ज्ञान से सेकेंड मैगजीन ऑफ टीचिंग इज वन वन कॉन्सेप्ट आफ्टर एन अनदर जब तक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ना हो जाए तब तक आपको दूसरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए एंड थर्ड मैगजीन ऑफ टीचिंग इज टीचिंग इन मदर टंग जो भी ज्ञान दिए जाना चाहिए वह मातृभाषा में दिए जाना चाहिए एंडोर्थ इज वी शुड ऑलवेज मूव फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एबस्ट्रैक्ट हमें हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर जाना चाहिए सो दीज आर डिफरेंट मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग एज गिवन बाय रेड के यू मे बी आस्क इन क्वेश्चन दैट्स वाई आई हैव एक्सप्लेन यू दीज मैग्जिम्स दीज आर फोर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग गिवन बाय आर ए टी के ई दैट इज रेट के सो प्रोनाशिएशन मे बी डिफरेंट आई एम प्रोनासिंग इट इन माई वे सो दे मे भी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन दीज फोर मैक्सिम्स आर नंबर वन ऑब्जेक्ट बिफोर वर्ड वस्तु का ज्ञान शब्द ज्ञान से पहले दिया जाए नंबर टू वन कंसेप्ट आफ्टर अनदर एक uh, संप्रत्यय को दूसरे संप्रत्यय से पहले कर, मत एक के बाद एक संप्रत्यय कराया जाना चाहिए सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे नहीं कराने जाने चाहिए एंड थर्ड इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ नॉलेज बाय रिपीट रिपीटिंग ज्ञान को बार बार पुनरावृत्ति करके उसको सुदृढ़ किया जा सकता है वी कैन स्ट्रेंथन आर नॉलेज बाय रिपीटिंग इट मल्टीपल टाइम्स लाइक आई एम रिपीटिंग द थिंग्स मैनी टाइम्स So, first was object knowledge before word knowledge. Second is one concept after another. Then third is strengthening of knowledge by repeating. These three concepts were given by Radke. Uh, and there is another maxims of teaching which were given by Comenius. I have mixed them earlier. There are different, uh, sorry, mother tongue was the point of Comenius. I have mixed it uh, earlier. So, I am repeating it again. There are two... मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग गिवन बाय डिफरेंट पर्सन फर्स्ट इज फर्स्ट ग्रुप ऑफ मैगजिम ऑफ टीचिंग वॉज गिवन बाय रेडके एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ मैगजिम ऑफ टीचिंग वॉज गिवन बाय कमेनियस सो रेड के सेट ऑब्जेक्ट नॉलेज बिफोर वर्ड नॉलेज शब्द ज्ञान से पहले वस्तु ज्ञान वन कॉन्सेप्ट आफ्टर अनदर एक सम्प्रत्यय के बाद ही दूसरा संप्रत्यय कराया जाए एंड नंबर थ्री स्ट्रेंथनिंग ऑफ नॉलेज बाय रिपीटिंग यानी कि आवृत्ति के द्वारा दोहराकर ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को सुदृढ़ बनाया जा सकता है इसके बाद कॉमेनियस के मैगजिम्स ऑफ टीचिंग है कॉमेनियस के मैगजिम्स ऑफ टीचिंग है नंबर वन प्रोमोट नॉलेज थ्रू सेंस ऑर्गेंस प्रोवाइड नॉलेज थ्रू सेंस ऑर्गेंस कि सेंस ऑर्गेंस के थ्रू नॉलेज को प्रोवाइड कराया जाए और सेंस ऑर्गेंस के थ्रू नॉलेज को रिसीव कराया जाए सेकेंड इज टीचिंग इन मदर टंग दैट आई हैव टॉक्ड अर्लियर टीचिंग इन मदर टंग थर्ड इज डोंट क्रैम डोंट लेट द स्टूडेंट्स क्रैम द थिंग्स बच्चों को रटने से दूर रखा जाए एंड फोर्थ इज़ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर कॉन्सेप्ट को लेकर आया जाए एंड नेक्स्ट इज प्रोवाइड रेलिवेंस आफ्टर गिविंग नॉलेज जब भी आप कोई ज्ञान प्रदान करें उसकी इम्पॉर्टेंस जरूर बताएं बिना इम्पोर्टेंस बताएं किसी भी ज्ञान को अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपको ये बताता हूँ ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में तो उस चीज को आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और जब नॉर्मल नौ, टीचिंग चल रही होती है तो आपको थोड़ा सा उबासी आनी शुरू हो जाती है खासकर करके फिलासफी की क्लास में सो so, रेलिवेंस uh, जरूर बताया जाना चाहिए नॉलेज प्रोवाइड कराने से पहले सो दीज वर डिफरेंट पॉइंट्स विच वर गिवन बाय रियलिस्ट यू कैन सप्लीमेंट देम विद योर बुक्स ऑल्सो आफ्टर दैट वियर टॉक अबाउट डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट रियलिस्ट सेट रियलिज्म ने पहले भी एडजस्टमेंट की बात की है तो डिसिप्लिन में भी यह कहते हैं कि बच्चों को ऐसा वातावरण दिया जाए जिसमें एक व्यवस्था कायम करना सीखे प्रोवाइड द स्टूडेंट सच एन एनवायरमेंट इन विच दे डेवलप अ सिस्टम ओन देयर ओन वो अपने आप से ही यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन की बात यहाँ पे की गई है और इसके बाद हम बात करते हैं टीचर और स्टूडेंट की तो बहुत कॉमन सी चीज़ें टीचर की अगर हम बात करें तो टीचर के बारे में इन्होंने कहा है कि टीचर सारे सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नहीं होना चाहिए हर टीचर का स्पेशलाइजेशन अलग अलग होना चाहिए और स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट के बारे में एक कॉन्सेप्ट है जिस पर सवाल आपको आया हुआ है एक वर्ड है तैबुल्ला रासा टी ए बी यू एल ए आर ए एस ए तैबुल्ला रासा ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मीनिंग है कोरी स्लेट ये जॉन लॉक ने कॉन्सेप्ट दिया था जॉन लॉक ने कहा था जॉन लॉक ने कंपेयर किया था एक चाइल्ड को विद अ ब्लैंक स्लेट उन्होंने कहा था कि इस बच्चे का जो मस्तिष्क है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है इस पर आप जैसा चाहे लिख देंगे वैसा ही उस पर छप जाएगा तो इसलिए हाँ यस जॉन लॉक वेरी गुड तो जॉन लॉक की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट uh, है इस पर सवाल आपको आया हुआ है और सवाल आपको, आपको आया था वट डू वी मीन बाय द टर्म

last and very important thing about realism is that realists were the first school of thought who, who support co-education. realists school of thought was the first school of thought that support co-education. so uh, you may be asked a question that which school of thought first uh, times support your talks about co-education. so uh, with this we have finished up with our topic of रियलिज्म, होपफुली यू मस्ट बी गेटिंग एट लीस्ट सम ऑफ इट नॉट होल ऑफ इट बिकॉज आई नो वेरी वेल कि ऑनलाइन टीचिंग की कुछ लिमिटेशन हैं दैट वी नो एवरी वन नोज इट सो थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया लेकिन प्लीज सिर्फ दस मिनट के लिए और सुनिए ध्यान से और नेचुरलिज्म में बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि हमने जब रियलिज्म को अच्छे से पढ़ लिया है सो वी कैन रिलेट द नेचुरिज्म रियलिज्म We can differentiate between the points. We can have some similar points also. So, uh, naturalism will be of 10 minutes only and less than 10 minutes. So, in under naturalism, first we first question that we are, uh, we had found uh, in our different uh, exams is who is the father of naturalism? Very simple question. Jean Jacques Rousseau is considered as father of naturalism.

जिस तरीके से रियलिज्म में साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुई एटम्स और उसके बाद इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के बाद इन्वेंशन uh, हुई और उसी से आइडियाज uh, लोगों को डेवलप होने शुरू हुए कि सब कुछ हर चीज़ जो है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही मिलकर बनी है तो लोगों के थॉट स्पिरिचुअलिज्म से हटकर रियलिज्म uh, की तरफ आने लगे तो कहीं ना कहीं उसी से ही आगे चलते हुए जब लोगों ने नेचर uh, के ऑरिजिनल uh, थिंकिंग के बारे में सोचना शुरू किया Uh, और नेचर के बारे में सोचना किया वहीं से रूसो का जो रूसो को माना जाता है कि रूसो वाज अ प्योर नेचुरलिस्ट जो uh, यहाँ तक कि पूरे संसार को ही uh, uh, खराब मानते थे दे सेड दैट कोई बालक जब इस दुनिया में आता है तो बिल्कुल प्योर होता है हंड्रेड परसेंट प्योर होता है और इट इज़ अ सोसाइटी दैट मेडल्स विद हिम और मेक हिम इम तो इवन ही पुट टीचर ऑल्सो इन इट उन्होंने अध्यापक को भी इसमें डाल दिया और उनके अनुसार अध्यापक होना ही नहीं चाहिए बच्चे को प्रकृति अपने आप सिखाती है और नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज से बच्चा अपने आप ही अनुशासन भी सीखता जाता है और इट इज द नेचर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच इज द कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड इस पूरे मेटेलिस्टिक वर्ल्ड की ओरिजिनेशन भी नेचर से है और इसका डिस्ट्रॉय भी होगा तो वो भी नेचर से होगा सो नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी दे ट्रीट नेचर एज द अल्टीमेट रियलिटी सो नेचुरलिज्म में नेचर को अल्टीमेट रियलिटी ट्रीट किया गया नंबर एक नंबर टू नेचुरलिज्म में फोकस किया गया है इंडिविजुअलिटी और नेचुरल इंस्टिंक्ट को नेचुरलिस्ट सेज दैट एवरी चाइल्ड इज हैविंग सम नेचुरल इंस्टिंक्ट द रोल ऑफ टीचर इज टू आइडेंटिफाई दो नेचुरल इंस्टिंक्ट एंड डेवलप असिस्ट हिम इन डेवलपिंग दोज नेचुरल इंस्टिंग ऐसा एन्वायरमेंट प्रोवाइड कराए जहां पर उन इंस्टिंग्स को बढ़ाया जा सके और उस फील्ड में उसको एक्सपर्ट बनाया जा सके सो नेचुरल इंस्टिंग की बात करते हैं नेचर की बात करते हैं और ओरिजिनेलिटी uh, की बात करते हैं तो दीज सम की पॉइंट्स जिनसे आपको नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट का एक आइडिया लगेगा सो नेक्स्ट इज मेटाफिजिक्स ऑफ नेचुरलिज्म मेटाफिजिक्स डील्स विद रियलिटी एंड रियलिटी अकॉर्डिंग टू नेचुरिज्म इज नेचर नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी बट जब हम बात करते हैं अलग अलग लोगों की तो उन लोगों ने नेचुरलिज्म के डिफरेंट टाइप्स दिए हैं नेचुरलिज्म को अपने तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है तो उनके अनुसार यदि हम चले तो अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द फिलोसफर्स रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज एटम एंड द आफ्टर Uh, sometimes some of the scientists said that not atom, it is the electron, proton and neutron, which is the ultimate reality. so uh, naturalism is based upon this idea that whole world is based upon physical things. whose whole world is made up of different matter. whole world is made up of different atoms and parts of atoms so that branch of naturalism or, or we can say that uh, school of thoughts of naturalism or that person wo log jo naturalism ko ek matter se relate karte hain wo log jo naturalism ko uh, physical world वर्ल्ड से रिलेट करते हैं उन लोगों के थॉट्स को कलेक्टिवली फिजिकल साइंटिस्ट कहा गया है और नेचुरलिज्म की इस ब्रांच को हम लोग physical science naturalism नेचुरलिज्म कहते हैं दिस इज भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद सो सेकेंड इज रियलिटी जब फिजिकल साइंस नेचुरलिज्म के बाद uh, कुछ और डेवलपमेंट्स हुई नेच, नेचुरिज्म में और कुछ लोगों ने कहा कि रियलिटी इज मैके इन नेचर रियलिटी इज मैकेनिकल इन नेचर रियलिटी इज मैके इन नेचर और उन लोगों को सपोर्ट करते हुए आपने साइकोलॉजी में एक स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा होगा बिहेवियरिज्म फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इज जे बी वॉटसन एंड दे नंबर ऑफ बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट लाइक पावलोव स्किनर हल दीज आर डिफरेंट बिहेवियरिस्ट सो दैट बिहेवियरिज्म गेट्स इट्स क्लू फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ रियलिज्म विच सेज दैट रियलिटी इज मैकेनिकल एंड दैट ब्रांच ऑफ रियलिज्म

सो so, uh, जो लोग उनसे प्रभावित हैं उनके जो uh, वाद है उसको कहा गया है बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। सो दे आर थ्री ब्रांचेस, वी कैन से थ्री फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म, फिजिकल साइंस नेचुरलिज्म, मैकेनिस्टिक नेचुरलिज्म एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। सो फिजिकल साइंस नेचुरलिज्म जो बिलीव कर बिलीव करता है मैटर मैटर में एटम्स में और इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन्स में और उन्हीं को ही नेचर मानता है उन्हीं से ही मिलकर पूरा नेचर का डेवलपमेंट हुआ है और जब हम मैकेनिस्टिक नेचुरलिज्म की बात करते हैं इट फोकस इज ऑन मैकेनिस्टिक प्रोसेस दैट नेचुरलिज्म इज बेस्ड अपॉन मैकेनिस्टिक प्रोसेस एंड थर्ड जो ब्रांच ऑफ नेचुरलिज्म या टाइप ऑफ नेचुरलिज्म या फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म की बात करें तो इट इज नोन एज बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म विच सेज दैट होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ सिंपल स्पीशीज देन लेटर ऑन सम कॉम्प्लेक्स स्पीशीज दैन लेटर ऑन सम एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग सो इस तरीके से जो चार्ल्स uh, डाविन की थ्योरी पर जो बेस्ड है इट इज नोन एज बायोलॉजिकल नेचुरिज्म और इन सब में एक चीज कॉमन है दैट दे थिंक दैट नेचर इज द अल्टीमेट रियालिटी सो आफ्टर फॉर्म्स ऑफ नेचुरिज्म दीज फॉर्म्स ऑफ नेचुरिज्म क्रिएट बेस फॉर मेटाफिजिक्स दैन वी टॉक अबाउट

तो अल्टीमेटली दैट नॉलेज इज रिसीव्ड थ्रू सेंस ऑर्गेन लाइक लाइक रियलिज्म रियलिज्म की तरह ये भी इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानते हैं हालांकि इन्होंने ये भी बताया कि नेचर का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिस मीडियम की जरूरत पड़ती है दैट मीडियम इज बेसिकली सेंस ऑर्गेन्स सो नॉलेज हमने मेटाफिजिक्स पढ़ लिया

Uh, प्रकृति से अलग जाके नहीं करना चाहिए हमें अपने ऑल एक्शन शुड बी डाइवर्टेड इन अ फेवरेबल हमें केवल वही कार्य करना चाहिए जो प्रकृति के अनुकूल हो वी शुड ऑलवेज परफॉर्म ओनली दोज टास्क विच आर फेवरेबल टू नेचर एंड दोज टास्क विच आर नॉट फेवरेबल टू नेचर वी शुड अवॉइड एम सो इट इज द एक्जॉजी ऑफ द नेचुरलिज्म तो मेटाफिजिक एपिसमोलॉजी और एक्सोलॉजी के बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म की बात करें तो बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया डेफिनेशन आप बुक में देख सकते हैं मोटे मोटे तौर पे इतना याद रखिए द होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ नेचर एंड दैट फिजिकल वर्ल्ड विच वी वी कैन एक्सपीरियंस थ्रू अवर सेंस ऑर्गन इज द रियल वर्ल्ड तो इस चीज को अगर ध्यान रखेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इसके बाद नेचुरलिज्म uh, और एजुकेशन की बात करें तो उसमें दो लोग हैं जिनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है वन इज रूसो एंड अनदर इज हर्बर्ट स्पेंसर क्योंकि दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज है काफी डिफरेंट है बट अल्टीमेटली एम uh, दोनों का एक ही है दे वॉन्ट नेचुरल इंस्टिक्ट टू बी सर्व्ड बच्चे की जो uh, प्राकृतिक जो जनजात प्रवृत्तियां हैं उनको कैटर करना और उनके अनुसार ज्ञान प्रदान करना उसको ये सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं तो इसलिए रूसो को जब भी हम शिक्षा की बात करेंगे प्राकृतिक शिक्षा की बात करें प्रकृतिवादी शिक्षा की बात करेंगे तो रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर को जरूर पढ़ेंगे क्योंकि रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ने से आपको रियल नेचुरलिज्म समझ में आएगा और कन्फ्लिक्ट भी समझ में आएगा कि कुछ चीज़ों पर रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर में कन्फ्लिक्ट है बट मोटो दोनों का सेम है कि नेचुरल इंस्टिंक्ट को अराइज करना नेचुरल इंस्टिंग को डेवलप करना सो so, छोटा uh, सा uh, बस एग्जाम्पल देके बताना चाहूँगा रूसो की कुछ बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है कई बार सवाल आते हैं एक एमिल ई एम आई एल एंड अनदर बुक द न्यू हेलोइज द न्यू हेलोइज टी एच ई द न्यू एन ई डब्ल्यू एंड हेलोइज इज एच ई एल ओ आई एस ई द न्यू हेलोइज़ द न्यू हेल्स टॉक्स अबाउट कि घर में शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए घर में अपने बच्चों को अगर आप आसपास हैं तो आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए कैसे आपको आ, बच्चों को होम एजुकेशन दी जानी चाहिए द हेलोइज इज़ अबाउट दैट और एमील आप सबने पढ़ा हुआ है कि अलग अलग स्टेजेस पर बच्चे की अगर बच्चा इन्फेंसी स्टेज में है बच्चा चाइल्ड में है बच्चा एडोलीस में एडल्टुड में है तो न्यू हेलोइज एंड एमील द न्यू हेलोइस इज टॉक अबाउट होम एजुकेशन एजुकेशन प्रोवाइडेड एट होम और इमेल टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स उसके बाद हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर की बहुत फेमस किताब है एजुकेशन कॉलन इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड फिजिकल एजुकेशन कॉलन इंटलेक्चुअल so uh, we were talking about naturalism according to uh, rousseau and herbert spencer and uh, we were discussing the books of rousseau uh, the helois the new helois and emil and after some uh, disturbance in network uh, so uh, there is a very important question which form of naturalism give rise to behaviorism विच फॉर्म ऑफ एजुकेशन सॉरी विच फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म गिव राइज टू बिहेवियरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए योर सिलेबस हैज बीन चेंज्ड। सो सिर्फ जो क्वेश्चंस पहले आते थे वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे इस बात पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा यूजीसी नेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन बैंक नंबर ऑफ क्वेश्चन आर देयर विद एन टी एड दैट इज नैशनल टेस्टिंग एजेंसी दे आर हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ डेटा बेस सो एनी क्वेश्चन दे आर मे बी टेन और फाइव और टेन क्वेश्चन दैट मे बी रिपेटेड बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर जनरेटेड और क्रिएटेड इन ए डिफरेंट मैनर इसलिए हर चैप्टर को अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा रिपीट uh, करने की बहुत ज्यादा देखने की हाँ ठीक है देखिएगा आइडिया लेने के लिए उन टॉपिक को समझने के लिए जिन टॉपिक्स पे आपको सवाल आते हैं लेकिन क्वेश्चन आपको नए नए भी जनरेट होंगे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया इट्स अ वेरी न्यू क्वेश्चन दैट विच काइंड ऑफ विच फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म गिव्स राइज टू बिहेवियरिज्म सो आंसर इज मैकेनिकल मैकेनिकल फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म गिव्स राइज टू बिहेवियरिज्म सो इस क्वेश्चन को येस प्रगति सेड मैकेनिकल नेचुरलिज्म वेरी गुड बिकॉज जब जब साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैकेस्टिक साइकोलॉजी सो उसमें भी हम लोग uh, अलग अलग थ्योरीज को पढ़ेंगे और होपफुली अगर मुझे वहां पर क्लासेस मिलती हैं और कोशिश करूंगा मैं एक दो क्लास वहां पर लूँ तो वहां पर जो मेरी क्लासेस होंगी उसमें हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे सो आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, सो एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, सी नेचुरलिज्म का फोकस कहाँ पर है बेसिक इंस्टिंग को डेवलप करना नेचुरल वे में आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराना आपको नेचर से रिलेट करना नेचर की प्रॉक्सिमिटी में लेके आना आपकी इंडिविजुअलिटी को बाहर निकाल के आना तो दीज वर द डिफरेंट एम्स ऑफ एजुकेशन ऑल्सो सो वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट्स नंबर वन यानी कि मूल प्रवृत्तियों का विकास करना नंबर टू असिस्ट द चाइल्ड असिस्ट द चाइल्ड टू फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ एज पर बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म जो कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पे बेस्ड है दो चीजें हैं जो हर समय पूरे संसार में रहती हैं नंबर वन स्ट्रगल फॉर लाइफ एंड दूसरी चीज जो उससे मिलती जुलती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जीवन के लिए संघर्ष और समर्थ का अस्तित्व जो समर्थ है केवल उसी का ही अस्तित्व रहेगा सो so, uh, इसका पूरा एग्जाम्पल uh, आप लोगों के पास है तो अगर आप एजुकेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं तो एजुकेशन का एम होना यही दोनों एजुकेशन के एम बन जाते हैं दैट टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर स्ट्रगल ऑफ लाइफ एंड नंबर टू मेक द चाइल्ड टू हैव दैट मच पावर सो दैट ही कैन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड इसके अलावा एवरी चाइल्ड शुड बी शुड थिंक अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट शुड लिव इन द एन्वायरमेंट शुड बी वेरी प्रो टू एनवायरमेंट मीन्स हम सभी को अपनी प्रकृति से रिलेट करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य इसमें है इसके अलावा uh, किसी भी बालक को नेचुरल लाइफ जीने के लिए प्रेरित करना ये शिक्षा का प्रकृतिवादी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है और इसके अलावा इंडिविजुअली हर बच्चे को देखिए प्रकृतिवाद के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता तो, हूँ कि प्रकृतिवादियों ने हर बालक को अलग अलग माना है एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट यस एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट सो वी हैव टू डिवाइस सच मेथड्स दैट वी हैव टू डिज़र मेथड्स ऑफ टीचिंग इन सच अ वे दैट वी शुड केटर ईच एंड एवरी चाइल्ड एंड इसलिए एजुकेशन बहुत मुश्किल हो जाती है uh, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सारे बच्चे अलग अलग हैं सारे बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं हाउ वी कैन केटर दैम सो इसके लिए उन्होंने बताया कि बच्चों से इंटरनेक्ट कीजिए अलग अलग बच्चे पे अलग अलग ध्यान रखिए तभी आप उसकी बेसिक इंस्टिंग्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसको उसके उसको डेवलप करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा पाएंगे तो एम्स ऑफ एजुकेशन के बाद हम बात करते हैं करिकुलम uh, की तो अगर रूसो की बात करें कि करिकुलम को प्रिपेयर करते समय हमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए हमें बच्चों को बड़ा नहीं मानना चाहिए रूसो की हमेशा से ये बात रही है कि हमें बच्चों को बड़ा नहीं मानना चाहिए बड़े लोग तो बच्चे को बिगाड़ देते हैं रूसो ने एक कॉन्सेप्ट दिया है नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत बच्चे इसको मिस uh, इंटरप्रेट करते हैं नेगेटिव एजुकेशन में रूसो ने कहा है कि वी शुड प्रोवाइड द चाइल्ड एन एन्वायरमेंट इन विच देर इज नो नेगेटिवी देर इज़ नो नेगेटिविटी ओवर देयर अगर आप लैप ऑफ नेचर यानि प्रकृति की गोद में बच्चे को सिखाएंगे उसको नेचुरल कॉन्सिक्वेंसिस से सीखने के लिए छोड़ देंगे और उसको गलत विचार देने वाला उसको नेगेटिव थॉट देने वाला कोई आसपास नहीं होगा तो उसे पता ही नहीं होगा कि नेगेटिव चीज़ होती क्या है सो नेगेटिव एजुकेशन से उसने एक ऐसे शिक्षा का आ, के बारे में सोचा है एक ऐसी अवधारणा के बारे में सोचा है कि जहाँ पर कोई कोई ऐसी एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को दिया जाए जहां कोई नेगेटिविटी आए ही ना और जब नेगेटिविटी आएगी ही नहीं फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे के सामने कभी किसी ने गाली नहीं दी तो उसे पता ही नहीं होगा कि गाली होती क्या चीज़ है इट्स ए रॉन्ग थिंग ये तो हम बच्चों को बाद में बताते हैं कि ये सही है ये या गलत है दूसरे के अकॉर्डिंग अगर उसको सब हर जगह सही सही दिखाई देगा तो वी नीड नॉट टू टेल हिम वी नॉट टू टेल हिम दैट इट इज़ रॉन्ग तो समय सिर्फ सही ही सही चीज़ें उसको बताई जाएंगी एंड इसके अलावा अगर हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम में रूसो ने साइकोलॉजिकल पॉइंट पे फोकस किया है हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला है कि करिकुलम ऐसा हो जो चाइल्ड को सेल्फ डिफेंड करने में हेल्प करे उसकी सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करे उसकी लिवलीहुड live, अर्न करने में हेल्प करे उसको एक पॉलिटिकल एक्सपोजर दे स्टेट के बारे में नॉलेज दे तो इस तरह की एक प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर और इन दोनों के अगेंस्ट अगर हम हक्सले की बात करें तो हक्सले इस कि हमें एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो एक तरफ लिटरेचर भी पढ़ाए और एक तरफ साइंस भी पढ़ाए तो देर तो शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरेचर एंड साइंस इन द करिकुलम सो रूसो स्पेंसर और हक्सले तीनों ने अपने अपने तरीके से नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए इसपे अपने विचार दिए हैं इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की तो प्रकृति की ओर लौटो ये नारा रूसों ने दिया तो उनके अनुसार शिक्षण विधियां भी ऐसी होनी चाहिए जो नेचुरलिस्टिक हो इन द लैप ऑफ नेचर हो और मींस सेल्फ एक्सपीरियंस लर्निंग बाय डूइंग नॉलेज बाय सेंस ऑर्गेन्स नॉलेज थ्रू कंप्लीट फ्रीडम नॉलेज थ्रू नेगेटिव एजुकेशन सो दीज वर डिफरेंट पॉइंट्स और

पांच इन्होंने मैगजिम्स ऑफ टीचिंग दिए सरल से जटिल की ओर नंबर एक नंबर दो अज्ञात से अज्ञात की ओर नंबर तीन मूर्त से अमूर्त की ओर नंबर चार अनिश्चित से निश्चित की ओर और, और नंबर पांच प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर तो इन पांच मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग को हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है हर शिक्षक को इसका पालन करना चाहिए इसके बाद अगर हम अनुशासन की बात करते हैं तो अनुशासन के संबंध में रूसो ने कहा है कि स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और बच्चा नेचुरल कॉन्सिक्वेंसिस से अपने आप अनुशासन सीख जाएगा हमें उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है जबकि हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर ने एक कॉन्सेप्ट दिया है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हीडोनिस्टिक थ्योरी हीडोनिस्टिक थ्योरी सेज हर व्यक्ति अपने लिए अच्छा करना चाहता है क्योंकि बुरी चीजों से पसंद नहीं होती तो जब किसी व्यक्ति के सामने अच्छी चीजें आती हैं बुरी चीजें दोनों आती हैं तो बुरी चीज़ों को वो हटाता रहता है अच्छी चीजों को वो एक्सेप्ट करता रहता है तो हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि जिस कार्य को करने में हमें अच्छा लगेगा हम उस कार्य को एक्सेप्ट करते जाएंगे जिस कार्य को करने में हमें खराब लगेगा उसको हम ऑटोमेटिकली उससे दूर होते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसी को उन्होंने हिडोनिस्टिक थ्योरी के बारे में कहा है इसको सुख दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है हिंदी में और अगर हम बात करें हक्सले की तो हक्सले ने प्राकृतिक दंड का विरोध किया है हक्सले ने कहा कि अगर बच्चे को केवल प्रकृति के भरोसे ही छोड़ दोगे तो कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर ओले पड़ रहे हैं और हम सोचें कि प्रकृति है और हमें तो अपने काम करने जाना ही है तो चाहे कोई व्यक्ति अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो चाहे बुरे कार्य के लिए जा रहा हो ओलों की जो मार पड़ेगी वो दोनों पर बराबर पड़ेगी तो प्रकृति के पनिशमेंट के बारे में हक्सले बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं है हक्सले इस सेंग कि बच्चे को फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन उनमें आ जाएगा सो आई दीज ट्राइड टू इंक्लूड मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म और इनमें अगर डिफरेंस की बात करें तो मैंने रियलिज्म के टाइम पर भी आपको बता दिया था यहाँ पे नट शैल बता देता हूं रियलिज्म का जो फोकस है इंडिविजुअल के साथ साथ सोसाइटी पर भी है सोशल डेवलपमेंट पर भी है जबकि अगर हम नेचुरलिज्म की बात करें तो इसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट जो इंडिविजुअलिस्टिक है सेकंड इज नेचुरलिज्म इज मोर साइकोलॉजिकल और जब हम बात करते हैं रियलिज्म की तो उसमें साइकोलॉजी का एलिमेंट है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए तो इन दो बेसिक पॉइंट्स के साथ आपको एक ओरिएंटेशन दोनों की समझ में आएगी रियलिज्म की भी और नेचुरलिज्म की एंड होपफुली आज जो मैंने आपको पढ़ाया थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इसको आज ही या कल मॉर्निंग से मॉर्निंग में ही इसको अपनी किताबों से असिस्ट कर लें और आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि आपको बहुत सी चीजें और समझ में आएंगी और जो मैंने आपको बताया है इसमें से मैक्सिमम एक या दो क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना है आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच पेशेंसफुली सुनने के लिए और इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद